यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच अंबाला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तोपखाना में गोली चल गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां पर तोपखाने में गोली चली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां पर एक कांग्रेसी नेता पर गोली चलाने का आरोप लगा है, ये बड़ी खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेसी नेताओं की दबंगई देखने को मिल रही है। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और ये जो व्यक्ति है, मामले की जांच में फिलहाल जो है वो पुलिस जुट गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है और ये कांग्रेस के नेता है। और यहां पर परिजन जो है रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंबाला छावनी के तोप खाने की ये घटना है, जहां पर गोली चली है, गोली चलाई गई है, कांग्रेस नेताओं की जो है दबंगई देखने को मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दमनदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दमन, यहां पर कांग्रेस नेता की जो है दबंगई देखने को मिली है, सीसीटीवी कैमरे में भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो क्या पूरा मामला क्या है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेसी नेता है, इनका नाम विजय शर्मा है और इनके घर के बिल्कुल सामने जो है एक व्यक्ति रहते थे, जिनको उन्होंने आज सुबह गोलियों से घूम दिया। इनकी काफी लंबे समय से आपस में रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर पहले भी जो है कई बार ये लोग आमने सामने हो चुके हैं। लेकिन आज ना जाने ऐसा क्या हुआ कि आरोपी ने पहले जो गोयल है उनकी टांग पर गोली मारी और उसके बाद जो है वो गिर गए। और साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे वो अपनी जान बचाकर भागे और फिर लड़खड़ाकर गली में गिर गए, जिसके बाद आरोपी ने उनकी छाती पर रिवॉल्वर रखकर एक बार फिर उन्हें गोली मारी, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। दमनदीप, तो ये किस वजह से गोली चलाई गई है कांग्रेसी नेता द्वारा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपसी रंजिश का मामला है, पहले भी ये दोनों पक्ष जो है आमने सामने हो चुके हैं, पहले भी एक दूसरे के प्रति जो है ये रंजिश रखते थे, जिसके कारण जो है आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल जो ये कांग्रेसी नेता है ये कहाँ पर है? देखिए, हमें जो सूचना मिल रही है कि फिलहाल इस कांग्रेसी जो ये नेता है, इसको सरेंडर जो है वो करवाने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही क्षणों में इसे सरेंडर करवा दिया जाएगा और इनके वकील जो है वो खुद इनको लेकर थाने पहुंचेंगे, जहां इन्हें सरेंडर करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। खुद एसपी जो है वो मौके पर है, बड़े जो आला अधिकारी है वो मौके पे है, क्राइम टीम मौके पर है, सीआईए की टीमें जो है वो मौके के ऊपर है। क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारी गई है, ये एक अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है और आसपास के इलाका जो है वो इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं जो है पूरे इलाके में हाहाकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दमनदीप तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेसी नेता की दबंगई देखने को मिली है, सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात जो है वो कैद हो गई है। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से दिन दिहाड़े गोली मारी जा रही है एक व्यक्ति को और व्यक्ति अपना बचाव भी करता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर कांग्रेसी नेता की जो है दबंगई देखने को मिली है।